अभी मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ था उसको एटीएस ने अपने रिमांड पे लिया है और उसको लेके यहाँ मुख्यालय लाया गया है। अब आगे की विवेचना चल रही है, उसके पास से जो भी चीज़ें बरामद हुई थी उसका परीक्षण, भौतिक परीक्षण और तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। जैसे ही इस चीज़ों में कोई भी उल्लेखनीय प्रगति होगी हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये घटना काफ़ी संवेदनशील थी और जिस तरह से घटना कारित की गई थी हम लोग किसी भी संभावना को नकार नहीं रहे। सर, बीते दिनों जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि इससे जब पकड़ा गया तो इसके पास से कई चीज़ें बरामद हुई थी और कई आपत्तिजनक भी मटेरियल मिला था, लैपटॉप्स वगैरह भी थे, तो क्या अब तक लैपटॉप्स वगैरह की जांच हो पाई है, कुछ पता चल पाया है, क्या अभी एटीएस के कब्जे में वो लैपटॉप आ पाया है एफएसएल के पास? नहीं, वो तो एक विवेचना का प्रश्न है जैसा बताया गया था। अब इन सभी चीज़ों का भौतिक और तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा ताकि सभी चीज़ें उसमें से निकाली जा सके और किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। अभी मोटिव बिहाइंड द क्राइम का कुछ पता चल पाया क्यों नहीं? ये अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कहना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और जिस परिस्थिति में घटना हुई है ये एक गंभीर घटना है और इसके पीछे कोई साजिश प्रतीत होती है। अब तक के जो पूछताछ हुई क्या उसमें कोई ऐसा इनपुट मिला कि जिसके बिना पे और लोगों को भी डिटेन किया गया प्रदेश भर में से, क्योंकि शुरुआत में बता रहे हैं उसके कई एंगल भी हैं, एक इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात आ रही थी, ट्रैवलिंग की भी बात आ रही थी। अभी इस चीज़ों को विवेचना को बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है और आवश्यक पड़ने पर जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उससे पूछताछ भी होगी और आवश्यक होगा तो उसे हिरासत में भी लिया जाएगा।